हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर पसंदा रेस्टोरेंट स्टाइल में। अगर अभी आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम पनीर को कट कर लेते हैं इस तरह से, स्क्वायर शेप में इस तरह से कट कर लेना है। फिर बीच से ट्राइंगल शेप में कट करके फिर बीच थोड़ा मोटा ही कट करेंगे ताकि हमें ये सैंडविच की तरह इस तरह पनीर को कट कर लेना है। ये देखिए सारे हमने कट कर लिए हैं इस तरह से। थोड़ा सा पनीर हम अलग रख देंगे क्रम्बल करके। चलिए अब हम मसाले की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालते हैं। इसमें हम प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। ये देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का ही गोल्डन ब्राउन रखना है, नहीं तो तीखापन आ जाएगा। चलिए देखिए लाल गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं और एक ग्राइंडर में डालकर इसे हम, चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। फाइन पेस्ट बनाना है, थोड़ा पानी ऐड कर देंगे इसमें। चलिए अब इसे हम ग्राइंड करके तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए ग्राइंड होने के बाद इस तरह से दिखेगा आपको। इसे एक बॉल में निकाल कर हम साइड में रख देंगे ढककर। चलिए अब दूसरा प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक कप पानी डालेंगे, उसमें हम ये लहसुन, काजू, टमाटर और ये अदरक का टुकड़ा। चलिए सबसे पहले हम काजू डाल देते हैं, 10 से 12 काजू होंगे। और हमने दो टमाटर लिए हैं स्मॉल साइज के, ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। और ये अदरक का 1 इंच टुकड़ा है और इसे हम बॉयल होने देते हैं। ये हम लहसुन भी इसमें हम डाल दे रहे हैं और ये दालचीनी 1 इंच, दो छोटी इलायची डाल देंगे। इन सबको हमें थोड़ी सॉफ्ट होने तक, ये हम थोड़ी सी जावित्री डाल रहे हैं। फिर इसे भी डालकर ढककर सॉफ्ट होने तक पकाते हैं। ये देखिए सॉफ्ट होना शुरू हो गया है, इस तरह से सॉफ्ट होने लगेगा। और हम अब इसे ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, इसे लो फ्लेम पे ही, लो से मीडियम टू। ये देखिए हो गया, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा हो जाने देंगे। ठंडा होने जाने के बाद हम इसे एक ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। चलिए इसे डाल देते हैं, ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा हो जाए। ये सब हमने डाल दिया, चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड होने के बाद ये देखिए कितना स्मूथ पेस्ट तैयार हो गया है। चलिए इसे अब हम पनीर थोड़ा सा अलग से रख लिए थे क्रश करके, और ये नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा प्याज और धनिया की पत्ती, चलिए इसमें डाल देते हैं। ये थोड़ा पनीर हमने अलग से रखा था फिलिंग के लिए, सैंडविच बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा चाहिए रहेगा हमें। थोड़ा सा लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, प्याज, धनिया की पत्ती, ये सब डालकर अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं स्पून की हेल्प से, या आप हाथों की मदद से भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से मिक्स कर लेना कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये काजू बादाम हमने लिया है, फाइनली चॉप कर लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे पनीर में। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए अब हम पनीर लेते हैं। ये थोड़ी सी हरी चटनी है, ग्रीन चटनी, धनिया, मिर्ची, लहसुन,
डालकर हमने पीस लिया है, उसे एक एक पनीर पर स्प्रेड कर देंगे हल्का हल्का। बड़ा अच्छा कलर आता है, ग्रीन ग्रीन खूबसूरत भी लगता है। ये देखिए हमने सब स्प्रेड कर दिया है। चलिए अब उसमें हम पनीर की फिलिंग भर देते हैं थोड़ा थोड़ा कर कर, इस तरह से थोड़ा थोड़ा एक एक के ऊपर रख दीजिए और दूसरे पनीर के स्लाइस से इसको कवर कर दीजिएगा, सब पे रख लेना है। ये देखिए कवर हो गया, एक सैंडविच पनीर की तैयार हो गई, दूसरी भी हमने तैयार कर ली, इसी तरह सब पे कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आराम से हल्के हाथ से रखते हुए सबको बना लेना है सारी पनीर की सैंडविच। अब हम कॉर्नफ्लावर लेंगे 2 टेबल स्पून और इसे अच्छे से पानी डालकर एक स्लरी तैयार कर लेंगे। बहुत हमें थिन नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखना है जिससे ये अच्छे से पनीर पे कोटिंग हो सके। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, कोई लम्स ना पड़े। ये देखिए इस तरह से एक एक पनीर के सैंडविच में डालकर डीप करके साइड में रखते जाएंगे। स्लरी थोड़ी थिक रहनी चाहिए तो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से रहेगी तो अच्छे से कोट हो जाएगी। आप चाहे तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से थिक रहनी चाहिए। चलिए सब इस तरह से डालकर कोट करके हम निकाल लेते हैं। अच्छे से जब ये कोट हो जाएगी तो खूब अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी और पनीर टूटेगा भी नहीं। इसे सारे हम कर लिए। अब एक पैन लेते हैं, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। शैलो फ्राई कर रहे हैं, बहुत डीप फ्राई नहीं, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, फिर हम शैलो फ्राई कर रहे हैं एक तवे। चलिए ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हम इस पर सैंडविचेस रखते जाएंगे पनीर के। ये देखिए इस तरह से रख कर सारे पनीर सेक लेने हैं हमें अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक। एक एक करके अच्छे से रखते जाइए। ये देखिए हमने सारे इस तरह से रख लिए हैं। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। पलट देते हैं हम इसे, सारे टर्न कर लीजिए, दूसरे टाइप से भी दूसरे तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इस तरह से सारे हमें पलटते हुए दूसरे साइड भी गोल्डन ब्राउन कर लेना। चलिए सब देख लेते हैं। ये देखिए सब हो गए हैं। एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं सारे पनीर को। इस तरह से सारे पनीर को निकाल लीजिए प्लेट में अच्छे से। ये देखिए चलिए हमने सारे पनीर को निकाल लिया है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। ये हमने 2 टेबल स्पून घी डाला है। आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं या बटर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ घी का यूज़ किया है, देसी घी। इसमें हमने 1/4 2 तेज़पत्ता डाला है। चलिए अब इसमें हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहे तो फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने डाल दिया है, इसे थोड़ा सा सौते कर लेंगे। चलिए ये देखिए अब हम इसमें जो हमने काजू वाला पेस्ट, टमाटर काजू का पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं और अच्छे से इसे चला लेते हैं। ये देखिए ये थोड़ा 3 से 4 मिनट इसे हमें कुक कर लेना है चलाते हुए। भुने प्याज का पेस्ट रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे, इसे भी थोड़ा सा कुक होने देंगे। इसे भी 3 से 4 मिनट सौते कर लेंगे हम। के बाद थोड़ा सा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आपके पास कश्मीरी मिर्च लाल मिर्च हो तो वो भी डाल सकते हैं। 1/4 टर्मरिक पाउडर,
ये हमने धनिया पाउडर 1 चम्मच और ये नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। इसे सब मिक्स कर लेते हैं। मिक्स होने के बाद ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया हो रहा है। चलिए इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसाले मिक्स हो जाएं और इसे ढककर हम धीमे आंच पे ही पकाएंगे थोड़ा। ये देखिए अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे, ये ठीक होने लगेगा तो आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं पानी। ये ठीक होना शुरू हो जाता है, अगर ज़्यादा ठीक हो तो थोड़ा पानी ऐड कर दो। चलिए इसे ढककर पकाते हैं। ये देखिए अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल देंगे। चलिए इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसाले। ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी ग्रेवी, रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर पसंदा। इसे घर पे बनाइए कोई त्यौहार पे। चलिए इसे ढककर पकने के बाद ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बहुत अच्छा कलर आता है। आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हमने घर पे मलाई रखी थी, फ्रेश मलाई है, इसे हम थोड़ा सा डाल देंगे। फ्रेश मलाई डालने से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खट्टा तीखा मीठा सब कॉम्बिनेशन परफेक्टली हो जाता है, वो बैलेंस कर लेता है। इसमें हमने शुगर भी ऐड किया, टमाटर भी और मलाई भी, तो ये सब कॉम्बिनेशन मिक्स हो जाता है, इससे टेस्ट को उभर कर आता है, अच्छा लगता है एकदम रेस्टोरेंट वाला। अब सारे ये पनीर के सैंडविचेस हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं, ढक कर 2 मिनट रख देते हैं। ये देखिए गैस का हमने ऑफ कर दिया है। चलिए इसे सर्व करके दिखाते हैं आपको एक प्लेट में। इसे कोई भी त्यौहार पे बना के या किसी भी बर्थडे कोई ओकेज़न हो उसमें बनाइए, एंजॉय कीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया रेस्टोरेंट स्टाइल घर पे ही बनकर तैयार हो गया पनीर पसंदा। एंजॉय करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये लीजिए पनीर पसंदा, एंजॉय कीजिए, कितना बढ़िया घर पर ही बनकर तैयार। ऊपर से धनिया की पत्ती से गार्निश कीजिए। ये लीजिए पनीर पसंदा इज़ रेडी, एंजॉय।